पिछले कुछ पार्ट में देखा था कि फ्रैंकलिन के घर में एक रेट्रीवर नाम का डॉग घुस जाता है, तो शिनचैन यार चुपचाप से उसको यार घुमाने के लिए ले जाता है, लेकिन पीछे से यार फिर पता चलता है कि यार उस कुत्ते को किसी ने छोड़ा हुआ था, और जिसने छोड़ा हुआ था वो यार पीछे से दो गाड़ी में गुंडे भेजता है कि यार उस कुत्ते को मार दें, क्योंकि यार वो उस कुत्ते को मनुष्य मानता है। तो शिनचैन भी उसे बचाने के लिए गोल्फ कोर्ट पर चल जाता है, फिर वो शिनचैन यार फ्रैंकलिन को कॉल करता है, फ्रैंकलिन भी यार पीछे से पहुंच जाता है और वहां पर गुंडों का खात्मा कर देता है। अगले दिन यार ये लोग अपने घर ले आते हैं और उसको यार अडॉप्ट कर लेते हैं उस कुत्ते को, और उस कुत्ते को अडॉप्ट करके उसका नाम ब्रूनो रख देते हैं। फ्रैंकलिन उसे बाहर ले जा रहा होता है कि फिर से एक गुंडे आ जाते हैं दो गाड़ियों में, फिर फ्रैंकलिन उनको ब्लास्ट कर देता है। अब यार देखिए कि आज होने क्या वाला। सुना है उस मनुष्य कुत्ते को वो फ्रैंकलिन पाल रहा है? हाँ जी सर जी, वो मनुष्य कुत्ते को फ्रैंकलिन पाल रहा है। तो मैंने मैंने तुम्हें कितनी बार पीछे छोड़ा और तुम लोग गाड़ी भी बर्बाद करते हो और अपने आप को भी मार करके आ जाते हो। सर हम क्या करें, वो आरपीजी से हम पे अटैक करता है। हाँ फ्रैंकलिन जब पुलिस है तो यही करेगा। अब देखो मैं चाह रहा था वो कुत्ता मरे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ उस कुत्ते को जिंदा यहाँ पर लेकर के आओ। अरे अरे सर हम लेकर के आएंगे लेकर के आएंगे। फ्रैंकलिन ज्यादा ही कुत्तों को अडॉप्ट करता है ना, उस मनहूस कुत्ते के चक्कर में साले अब तू भी मरेगा। फ्रैंकलिन बोल तो दिया है, लेकिन कैसे करेंगे? तुझे पता भी है ना वो कट रहा है, वो वहाँ पे सिक्योरिटी कितनी है। अब पागल है क्या, सही टाइम है, होली का टाइम देख रहा है तू? होली के टाइम पे इतनी सारी सिक्योरिटी और सब लोग अपने घर पे हैं, आज कोई भी सिक्योरिटी नहीं आने वाली, तो इस चक्कर में आज फ्रैंकलिन के यहाँ कम सिक्योरिटी होगी। अरे वाह तूने क्या बात बोली है, तभी तो चलते हैं ना, इस मौके का फायदा उठाते हैं। और वो कितना अच्छा लग रहा है, मुझे पता है मैं आया हूँ अपने नए घर में और मैं गोल्डन रेट्रीवर हूँ, और देखा ना आपको मेरा नाम ब्रूनो रखा गया है, और मैं कैसा लग रहा हूँ आप लोग कमेंट करके मुझे पता, और आप लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, ऑडियंस आप लोग मुझसे मतलब प्यार करने लगे पहले दिन में ही, तो थैंक यू सो मच। मैं 7 महीने बड़ा, बस 7 महीने का ही हूँ। हाँ भैया मिल गए हैं, फ्रैंकलिन भैया के साथ हिमावारी शिनचैन पिनचैन और वो चौपो भैया भी मिल गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और माइकल भैया भी। अरे अरे बेटा क्या हो गया, तुम इस टाइम पे क्यों निकले हो? अरे सब होली बना करके चले गए क्या? हाँ बेटा हम 4 ही सिक्योरिटी गार्ड रह गए। अरे अरे मैं थोड़ा सा घूमने आया था, मेरे को वॉक का टाइम होता है इस टाइम पे, और फ्रैंकलिन भैया सो रहे थे तो मैंने किसी को कुछ भी जगाया नहीं। गल भटक मत जाना। अरे अरे ठीक है मैं कहीं नहीं भटकूंगा। फ्रैंकलिन भाई ने अपना मेंशन तो कितना अच्छा बनाया है, अरे ऐसा मेंशन तो यार नसीब वालों को मिलता है, और फ्रैंकलिन भाई ने बहुत अच्छी तरीके से मेहनत करके कमाया होगा। ओ ये कौन सी जगह है, ये जगह तो बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है देखने में। यही है ना वो फ्रैंकलिन का घर, यहाँ भी रखा है अपने उस कुत्ते को, मनुष्य कुत्ते को। अरे कोई बात नहीं रख ले बेटा, तेरे को ना ये लॉस पे ले जाएगा, लेकिन कोई बात अभी नहीं, मैं रखने नहीं देंगे हम, बॉस ने हमारा बहुत ज्यादा दिमाग खराब कर दिया। अरे अरे हाँ बॉस ने दिमाग खराब कर दिया, बॉस ने बोला जिंदा हो या मुर्दा लेकर के आओ, लेकिन जब से उन्हें पता चला है कि फ्रैंकलिन ने उस कुत्ते को रख लिया है तो जब से बॉस और ज्यादा गुस्सा है, बॉस कह रहे हैं कि अब जिंदा ही उसको लेकर के आओ। देखो मैं क्या समुंदर के करीब आ गया हूँ गाइस, देखो क्या सब, ओ भाई यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा है देख करके, आसमान नीला नीला नहीं, आसमान नीला नहीं काला काला। बेड़े कुत्ता पाल रहा है ना, अच्छा हुआ यही सही टाइम है ये बाहर निकल के आया है, तो इसी टाइम पे हम इसको जपोट वो जकड़ लेते हैं। अरे हाँ भाई लेकिन साइलेंटली, पुलिस का घर है ना तुझे पता है ना? अरे पता है भाई पता है, और सिक्योरिटी भी बहुत कम है क्योंकि होली खेल करके सब लोग अपने घर को निकल गए थे, ये इधर रहे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इधर आ चुपचाप से फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन भाई मेरी बात सुनो। फ्रैंक अरे यहाँ पे आवाज कुछ आ रही है ना? है भाई मेरे को भी आई बिल्कुल ही। अरे अरे वो ब्रूनो देखता हूँ, ब्रूनो कहाँ पे है? ब्रूनो अरे ब्रूनो मेरी बात सुन, अरे बुन्नी बेटा कहाँ पे है? अरे ब्रूनो अरे मुझे कहाँ ले जा रहे हो? हाँ तेरे को तो अभी पता चलेगा तेरे को साले हम कहाँ ले जा रहे हैं, ज्यादा चालाक बनता है ना अपने आप में। अरे सुनो सिक्योरिटी सुनो, फ्रैंकलिन भाई शिनचैन भाई मेरी बात सुनो, अरे ये लोग कहाँ ले जा रहे हैं मुझे देखो तो सही, कहाँ ले जा रही है? अब तेरे को बहुत दूर ले जा रहे हैं, पूरी जगह से दूर ले जा रहे। अरे ब्रूनो नहीं दिख रहा यहाँ पे? अरे अरे पता नहीं कहाँ पे होगा ब्रूनो, ये देख ले भाई इधर ही कहीं, अरे कहीं आसपास से गया तो नहीं है? बचाओ बचाओ मुझे बचाओ, मुझे किडनैप कर रहे हैं लोग। अरे अरे किडनैप कर रहे हैं, किडनैप कर रहे हैं, इसको मना किया था। अरे फ्रैंकलिन सर हमारी वाट लगा देंगे। अरे यार हम क्या करें, वो इतना घूम रहा था तो अब क्या कर सकते हैं। अरे फ्रैंकलिन सर बात सुनिए, फ्रैंकलिन सर ब्रूनो चोरी हो गया मतलब या किडनैप हो गया, फ्रैंकलिन सर बात सुनिए। कौन है यार इस टाइम? फ्रैंकलिन सर आवाज सुनिए फ्रैंकलिन सर आवाज सुनिए। अरे यार इतनी दूर से क्या? अरे फ्रैंकलिन सर सुनिए। अरे भाई कौन है, भाई कौन है? फ्रैंकलिन सर आवाज तो सुनिए हमारी, जल्दी बात सुनिए। आ रहा हूँ भाई मैं आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, एक सेकंड। क्या बात हो गई भाई, क्या बात हो गई है? फ्रैंकलिन सर यहाँ पे ब्रूनो को किडनैप कर लिया। क्या अबे तो तुम लोग क्या कर रहे थे? अरे सर वो कह रहा था कि मेरा वॉक का टाइम है और वो नीचे गया। अबे वो तो मेरे साथ सो रहा था, एकदम से कैसे चली गया? सर वो दबे पैर नीचे आया और वो पीछे पीछे से पता नहीं यहाँ पे कोई उसे उठा के ले गया।
पक्का उसके पीछे गुंडे पड़े हुए थे। मैंने बोला था यार उसको सिक्योर रखना। सर वो तो बोल रहा था मैं इधर ही घूम रहा हूँ, पता नहीं कहाँ चले गया था। अरे यार ये बच्चे को भी कौन समझाए। माइकल भाई, ट्रेवर भाई, जल्दी बाहर निकल के आओ यार, फ्रैंकलिन आ रहे हैं। भाई सुबह भी होने वाली होगी, जल्दी से सुबह हो जाए ना, फिर बाद में हम निकलते हैं। और गाइस सुबह भी होने वाली है। ओ भाई सब पुलिस पुलिस को ऑन कर दो, पुलिस को सबको लगा दो। सर मैंने कॉल कर दिया सर, पुलिस सारी याद लग जाएगी। अब तो मैं गया काम से, ऑडियंस देखो अब तो मैं गया काम से, अब मैं गया। अरे ओए काले जा रहा, मैं काले जा रहा हमारे ब्रूनो को। फ्रैंकलिन सर ने पुलिस लगवा दी, फ्रैंकलिन भैया ने पुलिस लगवा दी। इसके फ्रैंकलिन ने पुलिस लगवाई है, अभी इसकी फाट लगाते हैं। पुलिस लगा दी और सुबह होने का टाइम हो गया, ये सारी पुलिस हमारे पीछे दौड़ रही है। अरे भाई बचकर निकल भाई, कैसे भी करके। अरे चलना अपने सीक्रेट अड्डे से जाएंगे, कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। अगर तुम बताते तो रोड से जाओ ना, मेरे फ्रैंकलिन भैया मार देंगे तुम्हें। चल बे चल, तेरा फ्रैंकलिन कुछ नहीं कर पाएगा। फ्रैंकलिन भैया सुनो, अरे यार ये लोग तो इस इलाके से ले जा रहे हैं, कोई मेरे को सुन भी नहीं पाएगा। ऑडियंस आप ही लोग बता सकते हो, आप लोग मुझसे प्यार करते हो, तो आप लोग बता दो प्लीज फ्रैंकलिन भैया को कि देखो ये मुझे कहां पे ले जा रहे हैं, कहां से। हां चकमा दे दिया पुलिस को। फ्रैंकलिन भैया जल्दी चलो यार, हमारा ब्रूनो ब्रूनो। अरे चिंता मत कर भाई, बाप तब कल कैसे चिंता ना करे यार। आप से जाइए भाई, ठीक है ट्रेवर भाई, ट्रेवर भाई और हिमा भाई गाइस घर पे ही है और भाई सिक्योरिटी भी लग गई है। अरे फ्रैंकलिन भैया आपके बारे तो वो लोग मार ही देंगे, फ्रैंकलिन भैया चुपके से लेके ही चले गए ब्रूनो को। शिनचैन हमने अगर अडॉप्ट कर लिया है तो भाई साहब उनको मारना क्यों है यार, वो बच्चे को। फ्रैंकलिन भैया पता नहीं वो बच्चे को क्यों मारना चाहते हैं। मैं बात है भाई, ब्रूनो नहीं मारना चाहिए। फ्रैंकलिन मैं तेरे को माफ कभी नहीं करूंगा, चुप भाई मैं खुद को माफ नहीं करूंगा अगर ब्रूनो मर गया तो। अरे फ्रैंकलिन भैया यार ब्रूनो को बचाओ कैसे भी करके यार। मैं बचाऊंगा भाई, मैं बचाऊंगा शिनचैन, लेकिन यार पता भी तो चले वो कहां पे लेकर के गए हैं गुंडे। अरे फ्रैंकलिन भैया पुलिस भी तो पीछे पड़ी है ना। हाँ पुलिस पीछे पड़ी है, लेकिन पुलिस भी तो नहीं दिख रही है, मुझे लग रहा है कोई पीछे पड़ने के पीछे उसके पीछे पड़ी हुई है और पता नहीं वो कहां पे चले गया है। फ्रैंकलिन भैया जहां पे भी गया हो मारो प्लीज उसे जा करके। अरे फ्रैंकलिन कहां पे गया होगा। अरे गाइस यार आप लोग ही बता दो यार, ऐसे नहीं यार, नहीं तो वो लोग ब्रूनो को मार देंगे। पता है ना आपको कि ब्रूनो को वो मनुष्य मानते हैं, और क्या गाइस वो ब्रूनो को मनुष्य मानते हैं और भाई साहब वो ब्रूनो को मार देंगे। पुलिस ढूंढ रही है सड़क पे और हम निकल आए हैं जंगल के रास्ते से। अरे भाई तेरे अंदर का दिमाग है। अबे पागल है क्या, दिमाग की क्या बात है भाई, सबसे अच्छा ना ये एक्शन लेना जरूरी होता है भाई। और भाई देख आराम से हम आ गए इस रास्ते पे। अरे भाई सही आए भाई सही आए। अरे अरे और नहीं थके, आप देखो पुलिस भी हमें मिल नहीं रही है, दिख भी नहीं रही है बिल्कुल भी। अरे भाई जल्दी चल भाई, पुलिस का साउंड तो आ ही रहा है। अरे हाँ भाई सायरन तो बज ही रहा है भाई, सायरन का साउंड तो आ ही रहा है, लेकिन हम कोई। ओए सामने से पुलिस आ रही है भाई बहुत गंदी तरीके से। अरे फ्रैंकलिन भैया कुछ तो करो यार, शिनचैन मैं कर रही कोशिश कर रहा हूँ भाई यार, अब देखते हैं अब यार पता तो चले। एक सेकंड, ये सिक्योरिटी की कॉल आ रही है। फ्रैंकलिन सर वो एकदम से आंखों से ओझल हो गए। अबे यार यही नहीं होना था। फ्रैंकलिन भैया जिस चीज़ का डर था वही हुआ, ये आंखों से ओझल हो गए वो। शिनचैन अब मुझे ही कैसे करके ढूंढना पड़ेगा यार, लेकिन उसे पता कैसे चला भाई ब्रूनो इधर रहने लग गया है। फ्रैंकलिन भैया सबको खबर फैल गई होगी ना, आप इतने फेमस जो हो लॉस सैंटोस में। बात तो यार वो बोल रहा है तू सही, लेकिन यार कहाँ पे होगा गाइस, कोई तो बता दो यार। आज तो भाई सुबह होने वाली है, पब्लिक आएगी, पब्लिक ने भी कुछ नहीं देखा, नहीं तो हम पहले तो कभी पब्लिक से पूछ लिया करते थे यार, अब कैसे बचाएंगे हम ब्रूनो को। फ्रैंकलिन भैया मैं बात तब कल हुआ यार, बहुत अजीब लग रहा है यार हमारा ब्रूनो। गाइस आप लोग ही बता दो यार, हमारे ब्रूनो को सालों ने किडनैप करके रख लिया बेटा, जहाँ मिलेंगे ना अब की बार मैं मार ही दूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया ये पक्की बात है, ये ब्रूनो के मालिक के पास लेके गए होंगे। हाँ मुझे लग रहा है मालिक ने बुलाया होगा। फ्रैंकलिन भैया तो अब की बार मालिक का भी खेल खत्म ही कर दो। शिनचैन हाँ ना बचेगी बास ना बचेगी बांसुरी, ना रहेगा बास ना बचेगी बांसुरी, हाँ यही बात है। हाँ तो भाई शिनचैन अब यार यही होना है गाइस, अब मेरे को ना उसके मालिक का ही खात्मा कर देना है, मालिक का खात्मा करूंगा ना तभी कुछ हो पाएगा। सुबह होने को आ गई है और हमने क्या पुलिस को चकमा दिया है भाई। अरे हाँ भाई बहुत सही चकमा दिया है। और सूरज चंदा मामा छुप जाओ, सूरज देवता निकल आओ। अरे अरे मेरे को वापस उस जगह नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। अब तेरे को पता चला कुत्ते तुझे कहाँ ले जा रहे हैं। नहीं मुझे नहीं जाना, भूतों का इलाका ये बहुत बेकार है, तुम लोग बहुत बेकार हो, मुझ पर बहुत अत्याचार करते हो, फ्रैंकलिन भाई बहुत अच्छे हैं। अच्छा अगर तेरा फ्रैंकलिन भाई इतना ही अच्छा है तो देखते तेरा फ्रैंकलिन भाई तेरे को कितना बचाने के लिए आता है। नहीं नहीं मुझे इस रास्ते में वापस नहीं जाना, तुम लोग क्यों ले आए मुझे, उस मालिक की शक्ल नहीं देखनी थी। अरे वेलकम होम डॉगी, वेलकम होम मनुष्य कुत्ते, मनुष्य कुत्ते तू ले आया। हाँ बॉस हम ले आए हैं, आपने जैसा कहा था हम वैसे ही करके लेकर के आए हैं बॉस, कर दिया ना काम। अरे अरे वाह तेरा बोनस पक्का है।
मेरा ओरियो को आ गया लेकिन अभी तक कुछ अपडेट नहीं मिल रही है। फ्रैंकलिन भैया आपने घर छाना ना? अरे गाइस मैंने ना लेस्टर से कॉल करता हूँ, मैं लेस्टर को ही हेलो लेस्टर। अरे हाँ फ्रैंकलिन, अबे ओए तू ऐसा क्यों बोलता है यार? अरे बोलो तो सही। अरे यार भाई लेस्टर मेरे को वो ब्रूनो को जानता है ना? अरे जो तुमने अभी नया नया कुत्ता अडॉप्ट किया है। हाँ भाई हाँ। अरे फ्रैंकलिन क्या हुआ उसका? अरे भाई उसका मालिक के बारे में पता है क्या? अरे मुझे कैसे पता, लेकिन एक चीज़ बता सकता हूँ मैं। हाँ तुम बोल रहे थे कि उसके पीछे गुंडे पड़ते थे। हाँ भाई ब्रूनो के पीछे गुंडे लगे थे, पक्का बात है। कोई एक गैंगस्टर टाइप के किसी व्यक्ति के वो होगा। हाँ भाई ये बात है, और वो पक्का अमीर व्यक्ति भी होगा। हाँ भाई हाँ। और जो वो गुंडे थे वो किस टाइप के थे? टपोरी टाइप के थे, बैलास गैंग जैसे, या फिर वो क्या बोलते हैं सूट वूट पहनते थे? भाई सूट वूट पहनते थे, वो सूट वूट पहन के प्रॉपर गाड़ी में आते थे, आर्मर्ड कार। फ्रैंकलिन वो तो लॉस सैंटोस में सिर्फ एक ही व्यक्ति है क्या? अरे हाँ एक ही व्यक्ति है जिसके बॉडीगार्ड सूट वूट में रहते हैं। एक तो तुम आंसर रहते हैं सूट वूट में रहते हैं कोट पैंट पहन करके। अच्छा तो भाई वो कहाँ पे मिलेगा कुछ पता है? अरे हाँ फ्रैंकलिन मेरे को पता है, मैं लोकेशन निकालता हूँ। लेस्टर भाई तू क्या बंदा है साले, तू पूरे लॉस सैंटोस की खबर रखता है। फ्रैंकलिन थोड़े टाइम के लिए जब मैं प्रेसिडेंट बना था तब मैंने खबर सारी रखी थी। अच्छा सारे माफिया गैंगस्टर्स की खबर थी। बस यार अब तू कैसे भी करके लोकेशन सेंड कर मुझे। अरे हाँ फ्रैंकलिन मैं करता हूँ। बस यार तुम्हारा यार ब्रूनो ना चले जाए कहीं। ओए बकवास कम कर यार। अरे फ्रैंकलिन ठीक है मैं करता हूँ जल्दी से, एक सेकंड। अरे फ्रैंकलिन भैया ये लेस्टर आदमी है पजामा? भाई पता नहीं यार आदमी है पजामा, इसने तो सारी भाई सब मतलब सारी नॉलेज ऐसे। फ्रैंकलिन सही है ना, हमें तो फायदा दे रहा है ना ये। फ्रैंकलिन भैया ब्रूनो कहाँ पे होगा? अरे पेंशन मिलेगा भाई मिलेगा। ओके सो गाइस यार जल्दी से इसमें पेट्रोल भरवाते हैं और निकलते हैं भाई साहब ब्रूनो को। अब लोकेशन भी आ गई होगी। और मनहूस कुत्ते घर से भागने का बहुत शौक है ना, फ्रैंकलिन के यहाँ बनाया। अरे फ्रैंकलिन भाई नहीं छोड़ेंगे। फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन भाई, ओहो हमारा दुश्मन अब इसका भाई है। साले तू सही में मनहूस है, तू साला हमारा वफादार कभी रहा ही नहीं है, तेरे तो साले मारना चाहिए। लेकिन नहीं, आज मैं चाहता हूँ कि फ्रैंकलिन तुझे बचाने के लिए आए। देखते हैं ना आज मेरी सिक्योरिटी और मैं और फ्रैंकलिन पे इतना गंदा वार करेंगे कि फ्रैंकलिन को मार देंगे। मेरे फ्रैंकलिन भाई को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। अच्छा फ्रैंकलिन भाई साले कुत्ते तेरे अंदर बहुत ज्यादा। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। क्यों ना मारे, और मारेगा तू और मरेगा। मुझे मार रहे ये लोग। मनुष्य कुत्ते चल तेरा आज इतना ही ठीक है, आने दे फ्रैंकलिन को, फिर देखता हूँ मैं। लोकेशन एक सेकंड, लोकेशन आ गई है गाइस मेरे पे, लोकेशन यहाँ की है। अच्छा बेटा ये भाई साहब माइकल भाई इसका है ये ब्रूनो। अच्छा फ्रैंकलिन यही था जो इसको बिजनेस में लॉस हुआ। हाँ मैंने सुना था ये इसका बिजनेस में लॉस। क्या आप जानते हो? हाँ मैं जानता हूँ शिनचैन। तो फ्रैंकलिन भैया फिर पकड़ के मारो ना साले को। अब तो शिनचैन इसका पुराना हिसाब भी वो करते हैं हम। फ्रैंकलिन भैया और नहीं तो क्या बाबा साहब पेट्रोफुल। सबको क्या हुआ बाबा साहब? मैं तेरे से पूछ रहा हूँ क्या हुआ भाई? मिल गया भाई, मिल गया अड्डा बाबा साहब। तू जानता है उसे? हाँ चौपो वो बहुत बड़ा गैंगस्टर बना फिरता है लेकिन कुछ है नहीं भाई साहब। जब है तभी तो वो इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड रखता है, आर्मर्ड कार रखता है। बेटे की जान अभी देखियो चौपो मैं उसका क्या हाल करता हूँ। भाई बात सब कौन है भाई? अभी चल तो रहे हैं भाई, चल रहे हैं। ओके सो गाइस हम फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुँचते हैं और डेस्टिनेशन पे पहुँच के साले का खात्मा ही कर देंगे। भैया बहुत अच्छी तरीके से साले को पीटना। अबे शिनचैन अब तो वो मरेगा बिल्कुल ही, पहला भी हिसाब है। और ऊपर से वो ब्रूनो को मनुष्य बोल रहा है। और पता है माइकल भाई मुझे लग रहा है उसको पता चल गया है कि फ्रैंकलिन ब्रूनो का ध्यान रख रहा है, इस वजह से वो माइकल भाई ऐसे कर रहा है। हाँ फ्रैंकलिन ऐसे ही वो जानबूझ के ब्रूनो को और मारना चाहता है, तो इसका मतलब वो ब्रूनो जिंदा होगा इस टाइम पे। ब्रूनो को उसने मारा नहीं होगा, वो मेरा वेट कर रहा होगा और वो मेरे से लड़ना चाह रहा होगा। अरे फ्रैंकलिन भाई आपका लॉन्डेज की तरह सही है। हाँ हाँ ठीक है ना ठीक है। अरे फ्रैंकलिन भैया चलो भाई जल्दी से। हाँ गाइस जल्दी से पहुँचते, तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें गाइस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। ये अपना ब्रूनो आप बच कर ही रहेगा। और हो गई और हमें लोकेशन मिल चुकी है। फ्रैंकलिन भैया आपको तो पता है ना ये लोकेशन? हाँ शिनचैन। फ्रैंकलिन हम माइकल भाई आप लोग ना गाड़ी में बैठे रहना, क्यों हमें भी तो मारने का मौका दो। अब आता मेरे को भी काटना है सबको। अबे रुक जा चौपर, रुक जाना, देखने तो देना भाई। सिक्योरिटी आगे वाले दरवाजे पे रखेंगे, हम लोग कम है भाई। गाइस मेरे को पता डर लगता है कि यार माइकल भाई इनको, यार इनको कुछ ना हो जाए, क्योंकि मेरे साथ बच्चे भी चल रहे हैं ना, ये पिनचैन भी चल रहा है। माइकल भाई और मैं तो संभाल लेंगे, लेकिन गाइस कोई बात नहीं ना, इसको देखते हैं। ओके तो गाइस यहाँ से चलते हैं हम पीछे से, है ना। फ्रैंकलिन भैया पीछे से नहीं जाते, अच्छा सामने से जाते हैं। रुक जाना। हाँ बेटा मैं ये जगह
शायद आ चुका हूँ। पहले मैंने इसके यहाँ पे जो पहले वाला ओनर था ना गाइस, मैंने उसको भी मारा है। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा। अरे फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन भाई आप आ गए। ओए साले पीछे से आता है। अबे तो पीछे से वार करने को गलत बोलते हैं, पीछे से मैं आया हूँ ना, तो क्या गड़बड़ हो गई है? हाँ नहीं तो क्या बेटा टकलू। और भाई ब्रूनो कैसे यार भाई, ऐसे कैसे किडनैप हो गए? अरे यार मेरे को इन लोगों ने किडनैप कर लिया बहुत गंदी तरीके से। ब्रूनो कोई बात नहीं, तू अब अपनी शरण में। अरे ओ फ्रैंकलिन ज्यादा मत बन साले, तेरा ना धज्जा उड़ा दूंगा। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तेरे और तेरे टट्टू सबको मारूंगा। अरे फ्रैंकलिन भैया सबको मारो, फ्रैंकलिन भाई मारो सबको, इसको सब कुछ बर्बाद कर दो। ये मेरे को बहुत परेशान करता था, मुझे बहुत मारता था, अभी भी मुझे इसने 2 लात मारी है। क्या तेरे को 2 लात मारी है इसने? शिनचैन, अरे फ्रैंकलिन भैया ये मरने की एक्टिंग कर रहा है। साले को अब मैं जिंदा करके फिर वापस से मारूंगा। अब ले बेटा, ले हो गया जिंदा। मैं जा रहा हूँ। नहीं फ्रैंकलिन सॉरी, तेरी ऐसी की तैसी। ले ए, ले ब्रूनो और कितनी मारी थी? फ्रैंकलिन भाई बहुत मारी थी मुझे इसने। भाई ले और खा। अरे अरे फ्रैंकलिन छोड़ दे। नहीं छोड़ूंगा साले तेरी ऐसी की तैसी। बहुत तूने मारा, बहुत अत्याचार किया है तूने यार ब्रूनो पे। अभी लोग एक और बात, ये क्या, ये कौन सी मशीन है बेटा? जिंदा करने की मशीन है। ब्रूनो लग जा काम पे। मैं मारू क्या? अरे अरे ये कुत्ते को पीछे को छोड़ दिया। सारा बदला निकालूंगा। पूरे टाइम पर मुझे तंग करता था, खाने को नहीं देता था, सड़ा हुआ खाना देता था। सारा बदला निकालूंगा। 20 सड़क पे मुझे छोड़ दिया इसने, 20 सड़क पे छोड़ा इस बुड्ढे ने मुझे, 20 सड़क पे। फ्रैंकलिन भाई मैंने इसे मार दिया। अरे सेटिस्फेक्शन मिली ना, फ्रैंकलिन भाई मार दिया मैंने इसे। फ्रैंकलिन भैया सही मारा ना? अरे हाँ भाई ब्रूनो, हो गई तसल्ली? हाँ फ्रैंकलिन भाई बहुत तसल्ली हो गई मेरे को, बहुत ज़्यादा। अरे ये क्या हो गया? उसका खून लग गया मेरे थोड़ा। अच्छा उसका ही खून लग रहा है। फ्रैंकलिन भाई यू आर द ग्रेट, आपकी वजह से मैं इन लोगों को मार पाया हूँ। और मेरे को ना ये लोग बहुत तंग किया करते थे फ्रैंकलिन भाई, बहुत ज़्यादा तंग। हाँ भाई ब्रूनो मैं समझ सकता हूँ ये तेरे को तंग किया करते थे। जो भाई माइकल भाई, शिनचैन और पिनचैन भाई, पिनचैन ने कहाँ से गन निकाल ली? जी वैगन में पीछे रखी थी, मुझे लगा जरूरत पड़ेगी तो सालों को मैं भी मारूंगा। आजा भाई आजा, ब्रूनो तेरे भाई तेरे करवाते हैं, बैंडेज लगवाते हैं। अरे नहीं नहीं मुझे लगी नहीं है। लगी है भाई लगी है। भाई भाई साहब रुक जा, मैं सूंघ करके बताता हूँ फ्रैंकलिन। अब भाई साहब इसको साले को लात लगी है भाई। ब्रूनो ड्रामे क्यों करता है भाई, तेरे लात लगी हुई है। अरे लात लगी है मुझे पता नहीं था। अरे मर्द को दर्द नहीं, और भाई साहब कितना सही लगा भाई इसको, इसको पता ही नहीं चला। मेरे को पता ही नहीं चला सही में। चल भाई तेरे ना बैंडेज हॉस्पिटल लेके चलते, थोड़ा तेरा इलाज करवाते हैं। अरे क्या हुआ? अरे भाई देख तेरा ये जो पुराना मालिक है ना साले की, तो वाट लगा दी ना बहुत बुरी तरीके से। तो ले भाई थोड़ा सा, ये भी ये डिजर्व करता है बहुत ज्यादा। हो फ्रैंकलिन बिल्कुल डिजर्व करता है भाई, क्यों नहीं करता है। अरे दूसरी गन नहीं है क्या? कितनी गन लेकर के चलते हो फ्रैंकलिन भाई? भाई बहुत गन लेकर के चलता हूं कि ऐसे लोगों को ना मार सकूं। अरे अरे बहुत सही। अरे अरे भाई जल्दी चलो भाई, इस घासों में आग लग रही है। घास में आग लग रही है, ये आग तो हम पे आ जाएगी। और क्या भाई आ गया बस यार, इसका अड्डा इतना ही बर्बाद होना ठीक है। माइकल भाई इस अड्डे को तो मैं हमेशा बेकार ही बर्बाद ही करता हूँ। और क्या फ्रैंकलिन हमेशा बर्बाद ही होता है ये अड्डा हमारे हाथों से। लेकिन फिर भी यार यहाँ के लोग बाज नहीं आते, पंगा लेते हैं, हमारी जिंदगी में आते हैं और पंगा लेते हैं। फ्रैंकलिन भाई मेरे को तो लगा था आज मेरा खात्मा होगा ही होगा, फिर मेरे को 3-4 लात मारी। और क्या हाल है सर जी, मिल गया कि ब्रूनो? हाँ भाई मिल गया सर जी, थैंक गॉड सर मिल गया। फ्रैंकलिन सर हम भी परेशान हो गए थे। अरे कोई बात नहीं, चलो भाई अपनी ड्यूटी पे लग जाओ तुम अपने। सर ड्यूटी पे ही लगे थे सर, आपके ब्रूनो को ढूंढ रहे थे। अबे वो खाई में कहाँ गिर गया एक व्यक्ति? आप गिर गए खाई में उसके चक्कर में आप? अरे फ्रैंकलिन भाई वैसे मेरी चोट लगी है यार। फ्रैंकलिन भाई ये क्या कर रहे हो? अरे ब्रूनो सॉरी भाई सॉरी। भाई रुक जाओ एक सेकंड यार। ब्रूनो एक बात बताइए, पुलिस तेरे को बचाया नहीं था क्या पुलिस ने? फ्रैंकलिन भाई मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये पुलिस ना मेरे पीछे पड़ गई थी, मतलब पुलिस मेरे पीछे नहीं मतलब मेरे को बचाने के पीछे पड़ गई थी, जैसे ही आपने बोल दिया होगा ना। हम मैं घर से थोड़ा दूर भी नहीं निकले थे हम लोग ये किडनैप करके, ये लोग मेरे पीछे पीछे लग लिए, पुलिस भी पीछे लग ली, तो फिर बाद में पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं? अरे फ्रैंकलिन भैया बात कुछ ऐसी हुई कि ये जो ये लोग थे ना, इन लोगों ने ना जंगल का रास्ता ले लिया था, जिससे पुलिस चकरा गई, पुलिस को पता नहीं चला। हाँ अरे और अंधेरा भी था तो ये लोगों ने हेडलाइट बंद करी और जंगल का रास्ता लेकर के मुझे इधर ले आए। अच्छा बेटा ये बात थी, चल भाई ओके। सो गाइस चलो यार ये वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, ब्रूनो हमने बचा लिया है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से लाइक करना, मार रही हो वीडियो से वीडियो को जरूर से लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो करना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन गाइस। तो गाइस मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, टाटा टेक केयर। हाँ गाइस बाय, टाटा टेक केयर।